हर आदमी के अंदर इच्छा थी कि शादी हो तो बस उसकी कन्या के साथ हो, लेकिन वे वागदत्ता थी, पूर्व से ही जम्बू स्वामी को दी जा चुकी थी। अब उन कन्याओं को ये बात भी धीरे से पता चली कि जम्बू स्वामी के साथ हमारा विवाह होना है, और जम्बू स्वामी अभी रण क्षेत्र में युद्ध का कौशल दिखाते हुए अपनी विजय को करते हुए वापस लौट रहे हैं। इसके बाद निश्चित ही उन चार कन्याओं का विवाह इनके पुत्र के साथ होना है, जैसा आजकल होता है, जैसे आप सगाई कर देते हैं, सगाई के बाद कन्या के मन के अंदर जिस तरीके की तरंगे उछाल मारती हैं बार 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 बार, क्योंकि कन्या का एक स्वभाव है, वो जिस घर में पैदा होती है उस घर को कभी भी अपना नहीं समझती। ये एक ऐसी मानसिकता लेकर के पैदा होती, कन्या को शुरुआत से पता होता कि मैं इस घर में पल तो रही हूँ लेकिन ये घर मेरा नहीं है, मुझे अपने पति के घर में जाना है, वहीं रहना है। ऐसी मानसिकता प्रत्येक कन्या की रहती है। उन कन्याओं के मन के अंदर भी ये भाव पैदा हो रहा था कि अब मैं जम्बू स्वामी के साथ मेरा विवाह हो जाएगा और मैं उनके साथ अपने यौवन का आनंद लूंगी, अपनी विद्याओं का आनंद लूंगी, कला कौशल दिखाऊंगी, रण क्षेत्र में जाऊंगी। नाना प्रकार की कल्पनाओं में वे चारों कन्याएं लगी हैं, अपना अपना सोच रही हैं। और जम्बू स्वामी यात्रा वापस करके लौट रहे हैं तो लौटते वक्त उनको अशोक वृक्ष के नीचे मुनि महाराज के दर्शन हो जाते हैं। महाराज के दर्शन हुए दूर से ही, और जम्बू स्वामी खिंच करके महाराज के सामने खड़े हो गए, और भी बहुत सारे लोग उन दिगंबर साधु के दर्शन कर रहे थे। मुनि महाराज के दर्शन नमोस्तु नमस्कार करने के बाद जम्बू स्वामी स्वयं मुनि महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज आपको देख करके मुझे इतना प्रेम क्यों पैदा हो रहा है? कुछ ऋणानुबंध होते हैं बंधुओं, वे ऋणानुबंध ऐसे होते हैं कि पूर्व भव के होते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, हम समझ नहीं पाते, ऋणानुबंध अपना काम करता है। कैसे काम करता है महाराज? जैसे आप देखिए कि कभी किसी ऐसे अपरिचित व्यक्ति को जिसको आपने कभी नहीं देखा, आप उसको अचानक देखते हैं और देखते ही साथ आपके मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा चल रहा है, समझता क्या है वो अपने आप को। हमारे मन के अंदर किसी व्यक्ति को देख करके सहज ईर्ष्या पैदा हो गई, जबकि हमारा उससे कोई संवाद ही नहीं है, ना हमको उससे कोई बात करनी है। उसके बाद भी पूर्व का ऋणानुबंध उस व्यक्ति को देखने मात्र से कसाय पैदा कराता है। किसी व्यक्ति को देख करके अंदर से प्रेम भाव पैदा होता है, उसे बात करना है, एक बार उनसे बात करा दो हमारी, एक बार चलो तो कोई इंट्रोडक्शन करा दो, एक बार वो हमसे बात कर लें। जब तक वो बात ना करें तब तक मन के अंदर ऐसी असंतुष्टि बनी रहती है, अरे उससे बात करनी है भाई, वो बात क्यों नहीं कर रहा है हमसे। तो ये जो अंदर मन के अंदर एक भाव बार 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 पैदा होता है और हम बाहर एक संकोच करते हैं, अरे बात करेंगे, और डरते भी हैं, बात भी करना चाहते हैं, ये ऐसा एक अनुबंध रहता है कि हम संकोच बहुत करते हैं और अंदर से मन उछाल मार के बोलता है रहना तो उसी के साथ है, लेकिन वो बात करेगा कि नहीं करेगा। पुरुष पुरुष में भी ऐसा संबंध हो जाता है, कई बार स्त्री स्त्री में भी ऐसे भाव हो जाते हैं कि उस स्त्री से बात करनी है, स्त्री के मन के अंदर भाव पैदा होता है। कई बार पुरुष का भी पुरुष के मन के अंदर भाव पैदा होता है कि इससे बात तो हो जाए, एक बार बात करना है, लेकिन संकोच के मामले में हम बात नहीं कर पाते। उस समय आपको एक चीज सोचनी है कि इसका मेला कोई ऋणानुबंध है, तभी तो बार बार मेरे मन की शक्ति, मेरे मन के परिणाम उस व्यक्ति के लिए खिंच रहे हैं। एक बार जा करके उससे बात कर लेना बहुत अच्छा है। अब हो सकता है वो सामने वाले व्यक्ति का परिणाम आपको लेकर के नहीं खिंच रहा हो, लेकिन आपका भी अगर खिंच रहा है, आप जाकर के बात कर लो। बहुत देर से आपसे बात करने का सोच रहे थे, संकोच छोड़ करके हमने आपसे बात करके बात करने आ गए, ये क्या है? ऋणानुबंध पूर्व भव का है बंधुओं। वो राग और द्वेष की परंपरा, प्रेम खत्म नहीं हुआ लेकिन आयु समाप्त हो गई। आयु समाप्त होने पर कॉस्ट्यूम चेंज हो गया और हमारा वो ऋणानुबंध बना रहा।
आज वो कोई रूप बदल करके फिर सामने खड़ा हुआ है अचानक, और उसको देख करके या तो राग होता है या द्वेष होता है, ईर्ष्या भाव भी पैदा होता है और प्रेम भाव भी पैदा होता है। तो जब आपको लगे कि किसी अनजान व्यक्ति के प्रति मेरा प्रेम भाव बहुत बढ़ रहा है, तो फिर आपको बात कर लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे आपका निश्चित ही कोई ना कोई उपकार या भला ही होने वाला है। प्रेम की धारा जब भी खींचे, तब आप समझिएगा कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिलने के बाद हमारे जीवन का रंग और अच्छा होने वाला है। संकोच छोड़ करके आप बात कर सकते हैं। जम्बू स्वामी ने पहली बार में ही उन मुनि महाराज से पूछ लिया कि आपको देख करके मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम क्यों मर रहा है, क्योंकि मेरा आपका मैंने आपका पहली बार दर्शन किया है और पहली बार में ऐसा लग रहा है कि मैं आपका ही हूं और मुझे आपके साथ ही रहना है। वे अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी जम्बू स्वामी को धीरे से बता देते हैं कि पूर्व भव में तुम मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई थे, वो पूर्व भव का कोई ऋणानुबंध है, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर प्रेम आ रहा है। जैसे ही जम्बू स्वामी ने सुना कि कोई मुनि महाराज पूर्व भव में मेरे बड़े भाई थे, तो उन्हीं अवधिगानी मुनि महाराज से वो अपना भविष्य जानना चाहता है। जब आपने हमारा बैग बता दिया है, तो फिर आप हमारा भविष्य और बता दीजिए। और जैसे ही उन मुनि महाराज ने जम्बू स्वामी को उनके भविष्य से अवगत कराने की प्रयास की, और सोई हुई चेतना जागृत हो गई, वे जम्बू स्वामी जो अभी तक मुनि महाराज का निमित्त नहीं मिल रहा था, तो अपने उपादान को यत्र तत्र अव्यवस्थित रूप से भटका रहे थे। कभी किसी कन्या के राग में रंग रहे थे, कभी दिग्विजय की यात्रा कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। एक बार जीवन में एक साधु की संगति मिली और पूरी की पूरी शक्ति का प्रवाह सिर्फ एक तरफ बढ़ा, जिसका नाम है वैराग्य। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, किसी भी क्षेत्र में विकास करना हो, आदर्श की, आलंबन की और आचरण की, इन तीन की महती भूमिका रहती है जीवन में, भावनाओं के विकास में भी और कल्पनाओं के विकास में भी। तो ये भावनाओं का विकास था, जब एक आदर्श के रूप में सामने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बैठ गए। अब जम्बू स्वामी आलंबन को स्वीकार करना चाह रहे हैं, आचरण में प्रवृत्ति करना चाहते हैं। आलंबन में उन्होंने वैराग्य का सहारा लिया, और जो विजय यात्रा करके वापस लौट रहे थे, वापस लौटते लौटते वैराग्य ने मन के अंदर ऐसा रंग रंगा कि जाकर के माँ से सीधा सीधा कह दिया, मुझे मुनि दीक्षा लेनी है, अपना कल्याण करना है, आप सोच लीजिए, मुझे जाना है यहाँ से। माँ ने जैसे ही सुना बरसों बाद ये बात, तो बहुत बरसों पहले जब पुत्र उत्पन्न भी नहीं हुआ था, उस समय उस ज्योतिषी की वो बात याद आ गई कि ज्योतिषी ने कहा था कि ये मोक्ष गमन करेंगे और मोक्ष का पुरुषार्थ करके यहाँ से निकल जाएंगे, आपके हाथ में नहीं रहेंगे, लेकिन जितने दिन आपके हाथ में रहेंगे आपको सुख बहुत देंगे। वही हुआ, बाल्यकाल, किशोरावस्था, जम्बू स्वामी ने अपने माता पिता को बहुत सुख दिया। किशोरावस्था पार करने के बाद जब यौवन संपन्न हुए और जब वैराग्य का फूल मन के अंदर खिला, फिर वो यौवन का सुख जो सिर्फ जाना था लेकिन पाया नहीं था, उसकी इच्छा नष्ट हो गई। संसार में कितने सारे ऐसे लोग हैं बंधुओं, आप देखिए कि जिन्होंने यौवन सुख को समझा तो है लेकिन बिना स्पर्श किए संसार छोड़ दिया। और उसमें आप देखिए कि गुरुवर ने तो ऐसा पवित्रतम आशीर्वाद इस पंचम काल में दिया कि उनके संग में प्रायः जितने भी साधुगण हैं पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी हैं, पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी, कि समझते सब हैं लेकिन बिना स्पर्श किए हुए उन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि का त्याग कर दिया। इस तरीके की भावना पैदा करना, उस भावनाओं को इम्प्लीमेंट करा देना और उस भावनाओं के साथ किसी भी साधु को सुरक्षित रख लेना, ये कलाकार की बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ी साधना। विवाह होने के पश्चात मुनि बनना बहुत सरल है बंधुओं, क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद वैराग अंग अंग से बोलता है, लेकिन
विवाह से पूर्व वैराग्य सिर्फ अनंग से बोलता है, गुरुदेव कहते हैं सिर्फ मन से बोलता है, वहां से बोलता है कि हाँ निकलो यहां से। और गुरुदेव का यह कमाल था कि पूरा का पूरा मुनि संघ, आर्यिका संघ, पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी शुद्ध, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवशाली इतिहास है जो आगे आने वाले हजारों साल तक बना रहेगा। जम्बू स्वामी के मन के अंदर भाव पैदा हुआ कि मुझे वैराग्य ग्रहण करना है। जम्बू स्वामी दीक्षा लेने तो जा ही रहे थे कि माँ ने कह दिया, पिता ने भी कह दिया, एक रात। एक रात क्या? एक रात वे चार वाग्दत्ताएं जिनको तुम्हारे लिए बचपन में मैंने स्वीकार कर लिया था, उससे तुम्हें माँ कहती है विवाह तो करना ही पड़ेगा। जम्बू स्वामी कहते हैं बचपन की बात थी, वो कन्याएं जवान हो गई हैं, उनसे कहो मेरा पीछा छोड़ें, किसी और अच्छे व्यक्ति को देख करके विवाह कर लें, मुझे तो सिर्फ मुनि बनना है। वे सुशील कन्याएं भी क्या पवित्रतम हृदय को धारण करने वाली थी। वे कन्याएं कहती हैं माता पिता ने बचपन में जिसको हमारे दान की घोषणा कर दी थी, हम तो उन्हीं के साथ विवाह करेंगे और वो जैसा करते हैं हम वैसा ही करेंगे, अन्य किसी भी पुरुष के प्रति हमारा कोई भाव ही नहीं है। जबकि उस कन्याओं ने जम्बू स्वामी को भी देखा भी नहीं है, जानते भी नहीं है कि जम्बू स्वामी कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। उन चारों के चारों कन्याओं के पिता ने कहा कि पुत्री अगर तुम चाहो तो किसी और से विवाह कर सकती हो। चारों की चारों पुत्रियों ने कह दिया जिस संस्कार से मुझे बड़ा किया गया है, जिस साधनों से मुझे पाला और संवर्धित किया गया है, वे संस्कार सिर्फ एक बात कहते हैं कि माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का कर्तव्य करना एक सुशील कन्या का कर्तव्य है। आपने जिसको दान दे दिया है, जिसके लिए मुझे कन्यादान की घोषणा कर दी है, वो ही हमारे पति हैं, इसके अलावा कोई भी हमारा पति नहीं है। ऐसी घोषणा और ऐसी संवाद आप उनके माता पिता के कान तक पहुंचा दीजिए। जम्बू स्वामी के माता पिता के कान तक ये बात पहुंची और जैसे ही उनके कान में बात पहुंची कि वे तो जम्बू स्वामी को ही विवाह करेंगी, तो माँ ने जम्बू स्वामी से कहा कि तुम दीक्षा लेने तो जा रहे हो लेकिन दीक्षा लेने से एक दिन और मात्र रुक जाओ, पहले उनसे विवाह करो, उनके साथ एक रात रहो, फिर चले जाना। जम्बू स्वामी माथा ठोकते बोलते माँ क्या हो रहा है, क्या करूंगा मैं उनसे विवाह करके, उनके जीवन को क्यों मैं अंधकार में डालूं, उनसे बोलो यौवन संपन्न है, विज्ञान संपन्न है, धन संपन्न है, किसी भी पुरुष का परिणय करके चली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माँ कहती है चारों की चारों कन्याओं ने संकल्प ले लिया है विवाह तो तुम्हारे साथ ही करेंगे। जम्बू स्वामी कहता है मैं मात्र आपके लिए एक रात्रि मात्र रुक सकता हूं, सुबह तो मुझे दीक्षा लेनी ही है। इतने में जब ये संवाद उन कन्याओं तक पहुंचाया, कन्या एक रात के लिए उसको अपना पति स्वीकार करके विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उनमें से चारों कन्याओं को इस बात का विश्वास था कि हम चार मिल करके जम्बू कुमार को दीक्षा लेने से रोक लेंगे, चारों का विश्वास था। चारों इतनी रूपवती थी कि उन्होंने पहले ही सोच लिया इनको हम अपने रूप के कौशल से अपने साथ रोक लेंगे। दूसरी कहती है अगर रूप दिखाने से, रूप के कौशल से वे नहीं रुके तब आप क्या करेंगे, तो बोले फिर उसके बाद हम शब्द कौशल का सहारा लेंगे। अगर तीसरी कहती है अगर शब्द कौशल से भी ना रुके तब क्या करेंगे, तो पहली कहती है अगर वो रूप के कौशल से ना रुका, शब्द के कौशल से ना रुका, तो फिर हम भाव के कौशल का सहारा लेंगे, उनको रोक लेंगे, तुम विश्वास रखना। कन्याओं को, स्त्रियों को विश्वास है कि हम उनको रोक लेंगे। विवाह हो गया और बंद कमरे में चार कन्याएं, रूपवती, सुशील, प्रज्ञा, प्रखर, अच्छी श्रद्धावान, विवेकवान, उन कन्याओं के बीच में जम्बू स्वामी बैठे हैं।
आप कल्पना का एक दृश्य अपने मन के अंदर बनाइएगा, किसी राजमहल में बंद बहुत बड़े कमरे में बीच में एक स्वर्ण के आसन में जम्बू कुमार बैठे हैं, चार तरफ चार कन्याएं बैठी हैं, अपने रूप यौवन से संपन्न वो रूप को दिखा करके जम्बू स्वामी को रोकना चाह रही हैं। जम्बू स्वामी पत्थर के जैसे चुपचाप बैठे हैं। कुछ बहुत देर तक प्रयास करने के पश्चात जब लगा चारों की चारों कन्याओं को कि रूप का जम्बू स्वामी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो शब्द कौशल के माध्यम से अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र कहानियां सुना करके उन कन्याओं ने जम्बू स्वामी को रोकने का प्रयास किया। वे रुकने वाले तो नहीं थे। और वही एक समय था बंधुओं कि उस संवाद को दूर कोने में एक चोर सुन रहा था जिसका नाम विद्युतचर था। वो भी थे तो राजपुत्र, राजा के पुत्र थे और उनके अंदर भी शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन बस उपयोग का खेल है, लब्ध उपयोग भावेंद्रियम, कि अंदर लब्धि के रूप में तो बहुत कुछ पड़ा है इस व्यक्ति संसारी के अंदर, लेकिन उपयोग में जो आ रहा है बस वही प्रस्फुटित होता है। अनंत शक्ति संपन्न होने के बाद भी वो चोर चोरी के उद्देश्य से दूसरे के घर में घुसा है, सुन रहा है। क्या सुन रहा है? कि चार कन्याएं हैं, एक पुरुष है, उसमें वो चार कन्याएं एक पुरुष को संसार छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए मना रही हैं कि तुम हमारे साथ रहो, सब भोगो, अच्छा रहेगा, सब सुख मिलेगा। वो चोरी करने घुसा है। वो चोर बार बार सोचता है कि मैं जिसको पाने के लिए इसके घर में आया हूं, ये उसको ठोकर मारने के लिए तैयार है। क्या दिमाग चल रहा है इस जम्बू कुमार का? मैं जिसको पाने के लिए, मैं जिसको बटोरने के लिए इसके घर के अंदर घुसा, ये उसको लात मार रहा है। तो वो चोर सोचता है, लात क्यों मार रहा है? क्या हो गया? विक्षिप्त है क्या? पागल हो गया है? धन में लात क्यों मार रहा है? चार यौवन संपन्न कन्याएं हैं, इनमें लात मार के क्यों जा रहा है? मैं होता तो सब धर लेता। और वो छुपा छुपा देख ही रहा था कि भी जम्बू स्वामी की माँ सामने से आ जाती, कहती है अंधकार में थोड़ा सा प्रकाश दिखाते हुए, कौन हो तुम और यहां कैसे? जम्बू स्वामी के सामने खड़ा हुआ विद्युत चोर कहता है, माँ मैं एक चोर हूं, चोरी के उद्देश्य से ही आया हूं, चोरी के उद्देश्य से आया था। अब क्या, जिसका संपत्ति है वो ही जब इसको नहीं भोगना चाह रहा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो साधु क्यों बनना चाहता है? उसके मन के अंदर ऐसा क्या भाव पैदा हुआ है कि वो साधु बनना चाहता है? मां को लगा कि ये विद्युत चोर मेरे पुत्र को समझा देगा। माँ विद्युत चोर से कहती है, तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं है, हम तुमको पूरी संपत्ति स्वयमेव दे देंगे, सिर्फ तुम मेरे पुत्र को वैराग्य से बचा लो। जब अपने घर में कोई पुत्र वैरागी होता है बंधुओं, उस माँ के स्नेह की ऐसी ही स्थिति होती है कि कोई मुनि महाराज आ गए, नव यौवन संपन्न जवान है, अभी दीक्षा ली है, उधर चंदन तंदुल पुष्प कई करके चढ़ाने में कुछ नहीं जाता। उन्हीं महाराज ने थोड़ा हमारे पुत्र को मोटिवेट कर लिया, तो बगल वाली महिला धीरे से स्त्री को समझा देती, भैया अपने अर्जुन को समझाओ, वो आजकल ज़्यादा महाराज जी के पीछे पड़ा है, कहीं निकल नहीं जाए। तो वो महिला अपने पुत्र को उठा करके बाहर भेज देती, बेटा अभी महाराज जी छोड़ो, तुम बाहर चले जाओ। क्यों? वे महाराज बहुत अच्छे हैं, प्रवचन उपदेश भी बहुत अच्छा देते हैं, चर्या भी बहुत पवित्र है, लेकिन अगर तुम उनके साथ चले गए तो मेरा क्या होगा? ये ऐसा भाव मोह के कारण रहता है। और कहा भी है ग्रंथकारों ने, मोह न छिज्जति अप्पा दारुण कम्मम करेदि बहुबारम, नहु बहु सहदि बहु दुखम, किम सहदि बहु दुखम, किम बहु दुखम वहेदि मूढ़मति। कि ये आत्मा क्या करता है? दारुण कम्मम करेदि बहुबारम, दारुण कर्मों को करता है, ऐसे कर्म जिसकी उम्मीद नहीं रहती, ऐसे पागलपन के काम प्रेम के कारण करता है, लेकिन मोह न छिज्जति, मोह का छेदन नहीं करता। फिर किम बहु दुखम बहेदी, और बहुत सारे दुख को सहता है,
वो लड़का दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गाली गलौज करता है, मद्यपान करता है, जुआ खेलता है, लात मारता है, गाली गलौज करता है, माता पिता को मारता है, लेकिन मोही व्यक्ति पकड़ के रखता है, भैया हमारा बेटा है, हम नहीं छोड़ सकते, इतना बेसनी है, छोड़ दो, हमारा लड़का है, तुम्हें तो कह दई, तुमको तो कहने में आ रहा है, फिर वो साधु है, उनको उनको अपना पुत्र मान लो, वे तो भैया दिव्य पुरुष हैं। अच्छा, अपने लड़के को उसके साथ जोड़ दो, उसमें भी आपत्ति है कि जो व्यसनी तो है, व्यसनी है तो हमारे साथ है, अगर ये साधु बन गया तो साधु के साथ चला जाएगा। ये चक्कर में भी कई बार बच्चों को साधु की संगति में नहीं जोड़ते बच्चे, माता पिता, और दुष्कर्म को सहते रहते, आदत में बना है। जम्बू स्वामी की माँ कहती है, तुम इसको समझा के रोक बस लो, सारी संपत्ति तुम वैसे उठा के ले जाना, चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। तो वो चोर कहता है कि उसके सामने मुझे लेकर के तो जाओ। तो माँ सबसे पहले अपने पति के कपड़े उस चोर को पहनाती है, बड़े बड़े कुंडल पहनाती है, उसके बाल खोलती है, लंबा करती है, अच्छे हीरे की अंगूठियां पहनाती है, और खुद उस चोर को अपने पुत्र के सामने ले जाकर के खड़ा करती है, कहती है, बेटा जब तुम पैदा नहीं हुए थे उस पहले ये तुम्हारे मामा हैं, ये दूर विदेश यात्रा में चले गए थे, आज जब तुम्हारे वैराग्य का दिवस आया है तब ये आए हैं, तो मामा से संवाद कर लो। चोर को मामा बना करके स्त्री ने सामने खड़ा कर दिया। मामा भांजे का संवाद खूब देर तक चला, खूब देर तक मामा ने भांजे को, भांजे ने मामा को समझाया, आखिरकार मामा हार गया, भांजे के वैराग्य को कोई नहीं डिगा पाया। और कई बार तो जब भी मैं इस जम्बू स्वामी चरित्र को पढ़ता हूँ, मुझे ये बात लगती है कि जम्बू स्वामी चाहते तो उसी वक्त भी दीक्षा ले सकते थे, उस वक्त भी जा सकते थे, लेकिन आदर्श आलंबन और आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव है इस दुनिया में। जम्बू स्वामी ने मन के अंदर सोचा होगा कि जिन्होंने मुझको इतना आलंबन देकर के पाला है, उनको मैं अपने वैराग्य का आलंबन देकर के इस संसार से निकाल देता हूं। संवाद की ऐसी उत्कृष्ट शैली ग्रंथकार ने उस ग्रंथ में लिखी है। बंधुओं, जब भी आप जम्बू स्वामी चरित्र पढ़ने का सौभाग्य अपने जीवन में लाएंगे, आपको एक एक शब्द में ऐसा माधुर्य दिखाई देगा, आप कल्पना के सागर में कितना गहरा गोता खाएंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन पवित्रतम ग्रंथ है जम्बू स्वामी चरित्र, पढ़ना चाहिए एक बार। वे जम्बू स्वामी को विद्युतचर चोर ने समझा बुझा करके प्रयास किया, विद्युतचर चोर हार गया, उसकी प्रज्ञा समझाने की खत्म होकर के समझने पे उतारू हो गई। वो विद्युतचर चोर भी समझ गया कि ये जो कह रहे हैं ये सही है। अब विद्युतचर चोर क्या कहता है, ये तो सुबह जाकर के दीक्षा लेंगे, मैं अभी चला जाता हूं। उस चोर के मन के अंदर ऐसा वैराग्य भर गया, देशना क्या कमाल करती है आप देखिए। वो चोर कहता है, मुझे अब सुबह होने तक का इंतजार नहीं है, बस मुझे गुरु दिख जाए और मैं अभी दीक्षा ले लेता हूं। जब तक पर्याय में आदमी उलझा है तब तक परेशानियां हैं। जिस दिन आदमी को अपनी सत्ता का, अपने द्रव्य का भान हो जाता है, जिस दिन आत्मा में नजर चली जाती है बंधुओं, पर्याय सब गौण हो जाती हैं। आसक्ति हमेशा जब भी मची है इस संसारी व्यक्ति को नई चीज की मची है। मानव का सब, मनुष्य का स्वभाव है, आप देखिएगा, नई शर्ट लाते हैं, नई शर्ट के प्रति आसक्ति ज्यादा रहती है और उपयोग कम रहता है। कोई भी नया पदार्थ ले आइए, घर के अंदर पुराना फ्रिज था, आप एक नया फ्रिज ले आए, अब नया फ्रिज लाने के बाद आप नए फ्रिज का भोग नहीं करते, अभी रखा रहने दो, क्यों, अभी पुराना चल रहा है, नहीं उसमें से स्मेल आ रही है, उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो हाई हो जाता है, अभी चलाओ उसको, भैया नया आ गया है तो भोग लो, नहीं, नए के प्रति आसक्ति इतनी रहती है, उसको सहेजने में समेटने में हमारा दिन लगा रहता है। नया ग्लास आ जाए, नई कांच आ जाए, नई गाड़ी आ जाए, मालिक उतर करके अपनी गाड़ी पोंछने में लगा रहता है, भैया नौकर पोंछ देगा, अभी नई आई है एक दो दिन तो पोंछ लेने दो, अच्छा लगता है, चलाने में भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल, क्यों, कीचड़ के ऊपर से लेके मत जाना, नीचे की बॉडी खराब हो जाएगी। कितना दिमाग चलता है, क्यों, पर्याय दिखती है,